अरे राखी जी, अरे कर लो पीछे सेटअप पीछे, अरे नहीं मिल रहा है ना राखी जी, हम कोरोना थोड़ी ना राखी जी, यहाँ पे कौन कोरोना कौन सा भेष में आ जाए मालूम नहीं। नाइस ड्रेस, क्या बात है, लुक राखी जी, अरे तू बहुत ही नाइस ड्रेस, थैंक यू। हेलो कैसे हो, तो मेरे को जाने के लिए दे रहे अंदर कॉफी में, क्या कुत्ते क्या कुत्ते क्या कुत्ते यार, ये तो मान ही नहीं रहे मेरे को जाने नहीं दे रहा अंदर, ये मेरा फैन है, रोज तो देखता है, ये साइड में आ जाओ राखी जी, लाइट नहीं है, मेरे को काट लेगा तो नहीं है। हसीम अरे आना यार ये साइड में, हेलो कॉफी वाला कॉफी दो, ए भाई अरे पीछे ना दूसरा भी आ गया, उसका भाई आ गया, बड़ा भाई है यार, इसको हटाओ यार, रुक जा रुक जा, आ जा बे यार, तुम लोग कुत्ते हटाओ यार, ऐसे कैसे करते हो, ये मेरे को काट लेगा तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, तो अभी कितने लेने पड़ते हैं, कितने, अरे अरे यार मतलब ये चाहता है कि मेरे को कुत्ता खाते और मैं 3 इंजेक्शन लूं, ये तो अंदर है, आपके यहाँ पे आज कॉफी लेने आए हैं, हाँ जी कॉफी मत करो किसी का, ठीक है तू ही बोल, आज ये कॉफी बनाएगा जब तक, रुक जा अभी मत बना, अभी मत बना, ये मेरा कार्ड चलना चाहिए ना, ये तो फोबड़ में दे दी कि उधार में रखती नहीं हूँ मैं, किसी का उधार नहीं रखती, पहले साइड वो कार्ड, कभी कभी होता है कार्ड काम नहीं करता, ये ना आजकल बैंक वाले भी छुट्टी पे है, एक मिनट इधर बहन इधर आ, तेरा हाथ दे मेरे को ले, सुनो बहन को छोड़ दो, भाई तुम ले ले, सब लोग लो सब लोग लो सब लोग लो, ये तो फ्रीका है सौरभ, ये चलो अब वो तो है, बाकी भी एक बार चेहरा दिखा, अरे मैं सब दिखाती हूँ देखो तो, ओके राखी बिल तो पे कर दूँ, देखो मैं आज एक मिनट मैं आज आप सबको खा रहा हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि कोरोना कैसे फैला, कैसे फैला राखी जी बताओ जरा, तो थोड़ा सा दूर तो रहो, थोड़ा सा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर, इसका मिक्सर चला, देश के कितने लोग 10 कमांडमेंट्स के बारे में जानते हैं, 10 कमांडमेंट्स वो है जो ईश्वर की तरफ से एक लक्ष्मण रेखा आई है, 10 कमांडमेंट्स क्या आप जानते हो, आप जानते हो भाई, आप जानते हो, आप जानते हो, मैं जानती हूँ, 10 कमांडमेंट्स वो है जब ऐसी महामारी है भाई बहन के, ऐसी बीमारी आती है हजारों सालों के बाद, हजारों सालों के बाद ऐसी बीमारियां तब आती है जब लोग सुनते नहीं है, सुनो 10 कमांडमेंट्स, पहला कमांडमेंट झूठ नहीं बोलना, दूसरा कमांडमेंट चोरी नहीं करना, तीसरा कमांडमेंट भाई भाई से लड़ाई नहीं करना, चौथा कमांडमेंट सास बहू माँ बेटे भाई भाई लड़ाई नहीं करना, पांचवा कमांडमेंट व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार का मतलब होता है शादी से पहले डिंग डॉन्ग, और शादी के बाद भी कोई लोग गलत काम करते हैं वो भी नहीं करना, ये परमेश्वर की तरफ से कमांडमेंट है, 10 कमांडमेंट मतलब 10 लक्ष्मण रेखा रूल्स, ये राखी सावंत आप लोग को सिखाती है सुनो, और छठा है कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही नहीं देना, ओए छठा है कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही नहीं देना, सातवां है माँ बाप को प्यार करना, उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना, अंतिम तक उनकी सेवा करना, और कितने बचे,
तीन बच्चे क्या? हाँ, 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 थर्ड वाला मेरे को कहिए कितना? सात हो गए? हाँ, सात है। और ईश्वर की आराधना करना सुबह शाम रात को, ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानना। सबसे नंबर वन पे ईश्वर होना चाहिए, उसके बाद पति पत्नी सब लोग, माँ बाप। और दूसरे दो बच्चे हैं वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, बट सबका भला करना, भूखों को खिलाना, सबकी मदद करना। परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे पास दो कुर्ते हैं तो एक कुर्ता पहन, दूसरा दे दे, है ना? बिल्कुल सही बात दोस्तों। इसीलिए मैं 10 कमांडमेंट्स में से 7 पर तो मैं बिल्कुल गौर कर रही हूँ। 7 पर तो मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी हो जाता है, छोटा मोटा गलती तो मेरे से भी हो जाता है, छोटी मोटी गलती ईश्वर माफ कर देता है। लेकिन आप लोग फोन करते हो, एक मिनट, हेलो डार्लिंग, कैसे हो जानू, जादू टोना मोना जानू, कैसे हो? 24 घंटे बात करते हो, ठीक है, लव लपाटा करते हो फोन पे पूरा दिन। ईश्वर के लिए टाइम कहा नहीं है, गॉड के लिए टाइम। हेलो मम्मी पापा डैडी पड़ोसी भाभी भैया जानू बॉयफ्रेंड उसका भी पड़ोसी 10 जात के पड़ोसी, ईश्वर के लिए टाइम है नहीं है। खाना खाते हो, हेलो खाना क्या बनाए, आज डिनर पे चले, डिस्को चले, टकेला शॉट लगाए, दारू पिए, पार्टी करे, ईश्वर के पास टाइम है, ईश्वर के लिए नहीं है। पार्टी करते हो, हर चीज करते हो, ईश्वर ने कभी तुम लोगों को नहीं रोका। लेकिन पहले नंबर पर ईश्वर को रखो, परमेश्वर को रखो, उसके बाद दुनियादारी करो। मुझ पे हंसोगे ना तुम लोग, मुझ पे हंसोगे ना मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरा ऊपर वाला है, मुझ पे हंसना मत। जिसका जिस पे लोग हंसते हैं उसी का घर बसते हैं। तो इसीलिए दोस्तों राखी सावंत की बात लिख के रख लो, पहले ईश्वर, ईश्वर के साथ हमेशा चलोगे तो कभी भी ये कोरोना नहीं होगा। ए भैया पीसो पीसो मेरी कॉफी बनाओ। मैं तो लोगों को समाचार देती हूँ, मैसेज देती हूँ। राखी जी नीचे इधर देखिए, राखी जी अभी थैंक यू करोना जा 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 करोना भाग करोना गो 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 तुझे ऐसा गो 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 बोलो सब लोग करोना गो 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 भाग ले करोना वरना मैं तुझे जला दूंगी, निकल जा यहां से। दरवाजा खोल दे। हां बोल दो बोल दो करोना जा। आजकल कुछ भी मुझे अंदर आने नहीं देते कॉफी लेने, वो लोग भूखे थे, आप कॉफी इतनी फेमस हुई है, मुझे कुत्ते अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? वो लोग भूखे थे तो भूखे थे क्या, मेरे को खा जाएंगे क्या? कॉफी रेडी है, रेडी है क्या? अरे मुझे इन्होंने एक कॉफी गलत बनाई, लेकिन इसको मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। कॉफी कॉफी पे लिखा है राखी सावंत का नाम, ठीक है ना? हेलो राखी जी, रुको अंकिल बोलना। तुम लोग यार मेरे को कैसे पकड़ लेते हो, तुमको कैसे पता चलता ये मेरा अड्डा है? कॉफी वाला बोलता है, कॉफी वाला बोलता है। ये तुम लोग एक मिनट बता दो कि मैं नहीं नहीं फेमस है ना यहाँ की कॉफी, राखी जी को बहुत अच्छी लगती है यहाँ की कॉफी। आ जा राखी जी, जहाँ पे सारा खड्डा है वही राखी सावंत का अड्डा है। कल भी इधर ही मिलेंगे राखी जी, कल टाइमिंग भी अच्छा है। आपके फैन हो गए देखो कॉफी वाले भी, क्या आपके फैन हो गए शायद ही? हाँ कॉफी वाले बहुत सब फैन है, पूरी दुनिया तो फैन है यार आपकी, क्या बताऊँ। अरे नहीं भाई मेरा ईश्वर फैन हो, बस मुझे सिर्फ चाहिए कि परमेश्वर मेरा फैन हो और मैं हमेशा परमेश्वर की राहों पे चलती हूँ। है किसका है भैया स्कूटर? दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। बैठो बैठो अरे गिर तो नहीं जाऊंगी, कॉफी रख दो ना, ऐसे बैठ जाओ। अरे मेरा ड्राइवर है ना राम, वो आ रही हूँ।
अरे थोड़ा पीछे आ जा, व्हाइट शॉट मिलेगा रे, तू बहुत आगे आ रही है। मैं बैग ले रहा था भाई। क्या क्या अरे बे मास्टर अंडे मुगन और पीछे क्या बात, पांडे की गाड़ी हिट हो गई। और हां सुनो मेरी बात, आ जा आ जा आ जा। जब भी आपके घर में कोई बैल बच्चा है सैनिटाइजर मारो ऐसे। देखो अभी ये बाइक पे मैंने मार दिया, ठीक है, इस बाइक पे किसने हाथ लगाया होगा। जब बिल लेते हो तो बिल लेके तुरंत हाथ में सैनिटाइजर मारो। कोई भी चीज़ बाहर से लेते हो, पिज्ज़ा लेते हो, खाना लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो आप लोग हाथ में सैनिटाइजर मारो, है ना। अब इस ये हमारी ज़िंदगी है सैनिटाइजर, तो इसको लेकर घूमो। ये वाला ये कैसे हो गया? बहुत अच्छा है, ठीक है। राकेश जी कल कहाँ मिलेंगे? अच्छा तो मैं चलती हूँ। कल कब मिलोगे वो गाँव? तो आप बताओ। तो मैं चलती हूँ, यही पे अड्डे पे, कॉफी के अड्डे पे। सब बोल दिए, चुप रहा है। जिम्मा भी है कल, घर में बना। छोटों की बहुत डिमांड बढ़ रही है। अच्छा कल भी आप इसी टाइम पे? कल देखेंगे, कल देखेंगे इस टाइम पे। हाँ वो भेजता हूँ वीडियो आपको। हाँ भेजो। हाय, हम इंतजार करेंगे। मेरे दोस्तों को मेरा मैसेज फैलाओ ताकि वो लोग सुरक्षित हो जाए। ओके राखी जी, बाय बाय।